नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में खेत है हमारा गेहूं का, जो था एक क्यारा हम रात बो के चले गए थे उसमें पानी चल रहा है, और एक क्यारा जो है ये इस तरफ का, जबकि दो हैं क्यारे, एक क्यारा बो गया। अभी इसमें भी डोल लगाएंगे और पापा जी अब नाश्ता करेंगे। अभी 12 जो है पुरानी वाली चल रही है, अभी नई पे एस्टिमेट आएगा, फॉर्म भर के ले गए वो बिजली वाले और बीज ले आए हैं। अब DI अपनी ड्यूटी पे लग रहा है। दोस्तों ये हमने लेजर जो था बब्बू भाई का लिया था, और हमारे में गुंजाइश नहीं थी। हमारा हंस का लेजर है लेकिन उसमें गुंजाइश नहीं थी, वो छोटा फ्रेम था उसका, वो 30 से ऊपर नहीं हो पाया, लेकिन ये 30 से ऊपर के खूड हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये खूड निकल गए थे और बीज डाल दिया है। यहाँ तक के तो 3 ढेर तो पापा जी ने सुबह सुबह, बहुत सुबह, 4 साढ़े 4 बजे आके पैंट के डाल दिए। पापा ज़्यादा सुबह आ जाते हैं, और कुछ वहाँ हमने पूली उतार दी, कुछ ये है आपके सामने छटा हुआ बीज। दोस्तों कुछ भाई कहते हैं कि पुनीत भाई ड्रेस चेंज नहीं हो रही, एक ही ड्रेस चल रही है। भाई घर में तो कैसे भी कपड़े पहन लो, घर में तो ज़्यादातर टी शर्ट लोअर या निक्कर वगैरह जीन्स वगैरह पहन के घूमते हैं, लेकिन हमारी जो जंगल की ड्रेस रहती है, एक तो वो डेली वही पहननी पड़ती है जब तक वो फटती नहीं, और दूसरी बात उसकी ये है कि डेली काम करना और डेली वो दोपहर में और शाम को धोनी। तो आप देख सकते हैं पत्ती फलानी है, जैसे नाली साफ करनी है, खाद डालना, स्प्रे करना, बहुत काम रहते हैं। अब सामने एक या ये 1.5 ट्रॉली गन्ने हैं, मील बंद होने जा रहा है कुछ ही दिनों में, तो आप देख सकते हैं काफी काफी कैड़ा पड़ रहा है। और डेली सुबह को आ जाते हैं, और ज्यादातर दोपहर की रोटी भी खेत में ही खाई जा रही है। बस एक हफ्ते में काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब वो क्यारा पूरा भर गया है, अब बबलू भाई इसमें पैर फिरा रहे हैं। पहले बबलू भाई ने स्प्रे कर दी है अमीडा की, और पापा जी ने पूरे खेत का बीज पंडा है। पापा जी ऐसे ही एक स्पीड पे पैंटते रहते हैं और कुछ ही बना देते हैं फटाफट। हम उठा के हमारा जो है एक आदमी का फावड़े का, एक का दवाई का और पैर फिराने का, और एक का गन्ना काटने का एवरेज रहता है। हम तीनों कभी भी एक काम को नहीं करते, तो इसलिए एक चैन सी बन जाती है कि धीरे 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 ये क्यारा हम कल तैयार करके दे, कल शाम से रात 10-11 बजे तक। और अब ये क्यारा भी तैयार हो गया, अब इसमें पानी होने वाला है, और ये 12 खूड़ हैं इधर, 10-12। वो बीज खड़ा है ट्रैक्टर में, वो एक्स्ट्रा है, और ये पिंड गया। और इसी तरह से पापा जी ने वो पैंट के तैयार कर दिया। अब दोपहर करीब 9-10 बज गए हैं, फाइनल होती दिखाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स खेत बू गया है, और खेत में पड़े करके बोने का हमें इतना फायदा हुआ कि पूरे चक में गन्ने निमट गए, और सब पत्ती वत्ती फैला के दवाई डाल के स्प्रे करके पूरा चक फाइनल कर दिया हमने, पेड्डी वेड्डी सब। बस अब पानी चलेगा खेतों में, और अगले महीने से अगली जो दवाई है, जो डोज है, वो लगानी शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर हम सूखे ही खेतों में फसल बोते रहते तो हमारा गन्ना रह जाता, और हम खेतों में दवाई वगैरह खाद भी नहीं डाल पाते, पत्ती भी फैला नहीं पाते इतने, क्योंकि आदमियों की कमी है। इसलिए हम जो हैं पड़े का बोने लगे, और पानी लगा के बोने का ये फ़ायदा है कि इतने खेत आता है 3 दिन में 4 दिन में, इतने पूरे चक का काम कवर हो जाता है और गन्ने भी निपट जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जुड़े रहिए।